गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो, तुमको ओपन ऑफिस कैल्क है तुम्हारे सिलेबस में, ओपन ऑफिस बेस भी तुम्हारे सिलेबस में है जिसमें हम लोग एसक्यूएल का क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ तुमको ध्यान देना पड़ेगा जब तुम ओपन ऑफिस बेस में टेबल में एंट्री करोगे तो, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आएगा वो पहले प्रॉब्लम तुमको हम दिखाएंगे, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो तुमको करके भी हम दिखाएंगे। तो जैसे मान लो ओपन ऑफिस बेस हम खोले और पहला काम होता है जो तुमको अपना डेटाबेस बनाना है। बिना डेटाबेस बनाए तुम आगे कंटिन्यू करोगे तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पर मैं जब ओपन ऑफिस बेस खोलोगे तो तुमको ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी हम एक डेटाबेस बना चुके हैं, तो इसको सेलेक्ट किए और देखो ये माई एसक्यूएल, माई फर्स्ट एसक्यूएल, ये एक डेटाबेस हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर दिए, अब हम फिनिश कर देंगे। ये देखो फिनिश कर दिए, तो अब हमारा ओपन ऑफिस बेस ओपन होगा और जिसमें कि हम सेलेक्ट किए हुए हैं तुमको माई एसक्यूएल वाला अपना डेटाबेस। तो पहले हम लोग सीखते हैं जो टेबल में एंट्री करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा। तो सबसे पहले जब टेबल में एंट्री करोगे तो तुमको अपना एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। टेबल बनाते समय तुमको थोड़ा ध्यान रखना है जो आखिर टेबल तुम कैसे बनाओगे जो फ्यूचर में तुम डेटा एंट्री कर पाओ। बनाते समय अगर गड़बड़ होगा तो तुम फिर एंट्री नहीं कर पाओगे। तो क्या दिक्कत होता है पहले उसको ध्यान में रखते हुए हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमको टेबल बनाना है तो फर्स्ट तुम टेबल में जाओगे। टेबल में जब तुम जाओगे तो यहाँ पर मैं तुमको तीन तरीके से टेबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम तुमको पहले डिज़ाइन व्यू में बताते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल, ठीक है। तो जैसे मान लो टेबल्स में गए और यहाँ पर मैं तीन ऑप्शन आएगा, तो तीनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट हम तुमको क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू बताते हैं, तो इसको क्लिक करोगे, बहुत सिंपल है। तुम यहाँ पर मैं जैसे मान लो हम लिख दिए रोल, तो रोल का डेटा टाइप जनरली न्यूमेरिक ही रखना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत होता है। तो हम लोग देखो ये नंबर न्यूमेरिक सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद वाला जो हेडिंग देना चाहते हैं, सपोज़ करो नेम का, तो नेम तो कैर ही होता है, तो यहाँ वेर कैर बाई डिफ़ॉल्ट वो आता ही है। अगर वो नहीं लेना है तब तुम दूसरा चेंज कर सकते हो। हाँ, एग्ज़ाम के लिए समझ लो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही है, जो अगर मान लो कोई फील्ड हम बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फील्ड टाइप क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट फील्ड टाइप होता है टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको दूसरा चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा कॉलम हम देना चाहते हैं, मान लो फिजिक्स का, तो फिजिक्स तो न्यूमेरिक होगा तो इसको तुमको चेंज करना होगा, न्यूमेरिक कर लो। और फिर आएगा तुमको केमिस्ट्री मान लो, तो केमिस्ट्री भी नंबर ही इनपुट करेंगे, तो ये नंबर कर लिए। अब देखो गड़बड़ी क्या हम लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए लेकिन कहीं गलती से कर दोगे तो परेशानी क्या होगा, पहले तुमको वो हम बताते हैं, ठीक। तो मान लो इतना ही हमको डालना था, हम यहाँ से बाहर हम निकलेंगे, तो ये क्लोज का बटन प्रेस किए, तो क्लोज़ का बटन प्रेस किए तो बोला आप टेबल जो बनाना चाहते हैं तो टेबल का कुछ नाम तो देंगे, तो नहीं देंगे तब तो फिर ये बनाना बेकार हो जाएगा। तो हम टेबल का नाम देना चाहते हैं तो यस को सेलेक्ट कर लेंगे, यस को सेलेक्ट कर लिए और सपोज़ करो हम टेबल का नाम डाल दिए बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ भी देखना बाय डिफ़ॉल्ट टेबल वन रहेगा, और तुम अगर अपना कुछ नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मान लो हम डाल दिए डेटा, उसके बाद ओके कर दिए। यहीं पर मैं प्रॉब्लम क्रिएट
हम लोग कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए लेकिन कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है जो आपको प्राइमरी की रखना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है शुड अ प्राइमरी की भी क्रिएटेड नाउ, तो इसका मतलब तेरे पास तो दो ऑप्शन दिया, या तो करो नहीं तो नहीं करो। मान लो हम बोले नहीं, हमको अभी क्रिएट नहीं करना है प्राइमरी की, तो हम कर दिए नो। अब हम देखो बाहर आ गए, ठीक है, तो बाहर तो आ गए, अब टेबल में एंट्री किया जाए। अब टेबल में एंट्री किया जाए तो हम देखो ये डेटा जो टेबल हम बनाया है ये अब शो कर रहा है, अब इसमें एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने का सिंपल सा रूल है, आप उस टेबल को डबल क्लिक करिए और एंट्री करिए। तब देखो यहाँ हम डबल क्लिक कर रहे हैं, ये देखो डबल क्लिक किए और यहाँ आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब कोई ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर में प्राइमरी की डाल दिए हैं, ठीक है, प्राइमरी की सॉरी हम नहीं डाले थे, तब हमको एंट्री करने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ कर लेंगे, यहाँ हमको एंट्री नहीं करने देगा, ठीक है। तो फिर अब बात हुआ जो प्राइमरी की तो डाले नहीं, उसमें बोल रहा था डालिए, तो हम बोले नहीं डालेंगे, तब नहीं डालेंगे तो अब वो एंट्री करने नहीं दे रहा है। उसी समय कह देता भाई प्राइमरी की डाल लो, नहीं डालोगे तो आगे एंट्री करने नहीं देंगे, तो वो तो हम डाले नहीं, तो हम आगे बढ़ गए तो अब डालने नहीं दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें अब हम प्राइमरी की डालने का कोशिश करते हैं। इसको राइट क्लिक किए, एडिट में गए, अब यहाँ पर में हम प्राइमरी की डालेंगे। देखो जिसमें प्राइमरी की डालोगे ना, कोई एक कॉलम में तुम प्राइमरी की डाल सकते हो, तो मान लो रोल ही जनरली यूनिक रहता है तो इसी को हम लोग प्राइमरी की डालते हैं। तो ये रोल वाले का जो ये बटन हेडिंग वाला बटन है, यहीं पर में तुम राइट क्लिक करोगे, तो राइट क्लिक जब तुम करोगे तो तुमको यहाँ पर में डालने का ऑप्शन आएगा। ये देखो प्राइमरी की हम डाल दिए। अब जैसे ही यहाँ प्राइमरी की हम डाले तो ये एक देखो एक की का सेप आ रहा है, इसका मतलब हुआ जो आप इसमें प्राइमरी की डाल दिए। अब प्राइमरी की जिस समय बना रहे थे उस समय डाले नहीं, तो डाले नहीं तो एंट्री करने नहीं दिया, अब एंट्री करने नहीं दिया तो अब प्राइमरी की अब डाल लेते हैं, तो अब तो हम डाल लिए। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बोलेगा सेव करना है, तो हम बोले हाँ भाई सेव कर दो, तो कर दिए। अब तो प्राइमरी की इसमें डाल दिए हैं, अब डेटा एंट्री किया जाए। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो कहाँ डाटा एंट्री करने दे रहा है, नहीं डाटा एंट्री करने नहीं दे रहा है, तो अब तो फेरा में पड़ गए। तो बेटर होगा आप जब टेबल बनाइए, और अगर चाहते हैं उसमें फ्यूचर में हम डेटा एंट्री करें, तो जब टेबल को डिज़ाइन करते हैं, जिस समय आपको पूछा था प्राइमरी की डालना है कि नहीं डालना है, उसी समय आपको कह देना था हाँ डालना है, तो हम लोग तो डाले नहीं तो एंट्री नहीं करने दिया, तो फिर प्राइमरी की डाल करके बोले जी ठीक है भाई लो डाल दे रहे हैं प्राइमरी की, अब तो डालने दो, तो अब भी डालने नहीं दिया। तो सॉल्यूशन इसका बेटर होगा जो आप क्या करिए, जब भी टेबल बनाइए तो उसमें प्राइमरी की डालिए। तो जैसे चलो अब हम फिर से क्रिएट टेबल करते हैं डिज़ाइन व्यू में। अब यहाँ पर मैं मान लो हम डाल दिए रोल, रोल का जैसे तुमको बताए थे अपना न्यूमेरिक कर लेना, न्यूमेरिक कर लेना, और फिर यहाँ पर मैं हम लोग अब डालेंगे मान लो नेम, नेम वेयर केयर, ठीक है। फिर मान लो डाल दिए फिजिक्स, फिजिक्स को हम लोग न्यूमेरिक करेंगे क्योंकि नंबर एंट्री करोगे, और केमिस्ट्री को हम लोग न्यूमेरिक ही करेंगे क्योंकि इसमें भी तो मार्क्स ही एंट्री करना है। अब जैसे पिछले बार भाग गए थे यहाँ बिना प्राइमरी की डाले, तो हम लोग यहाँ प्राइमरी की डाल देंगे। तो हम लोग को रोल में डालना है प्राइमरी की, क्योंकि रोल का डेटा यूनिक होता है, तो यहाँ पर मैं हम लोग रोल को प्राइमरी की डाल देते हैं। ये देखो रोल को प्राइमरी की डाल दिए।
अब हम बाहर निकल रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बोल रहा है सेव करना है कि नहीं, हाँ सेव करना है। टेबल का नाम मान लो फिर से डेटा डालते हैं, ओके कर रहे हैं। अब प्राइमरी की तो यहाँ डाले हैं, तो उस समय तो नहीं डाले थे, तो बोल रहा था भाई डालोगे कि नहीं डालोगे, तो इस बार तो डाले हैं, ओके करते हैं। देखो कुछ नहीं पूछा डालना है कि नहीं डालना है, क्योंकि हम तो डाल ही दिए हैं। अब हम डेटा टेबल में देखते हैं एंट्री की, एंट्री करके जो अब हमको करने देता है कि नहीं देता है। जैसे तुमको बताएं किसी टेबल में एंट्री करना है, तो उस टेबल को डबल क्लिक करो। डबल क्लिक कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर मैं एंट्री हो रहा है, तो रोल नंबर जैसे मान लो 1 डाल दिए, नेम डाल दिए मान लो अनुज, बढ़िया बच्चा है अभी मेरा, तो सपोज़ करो 20 मार्क्स का है, तो इसको 20 दिए फिजिक्स में। केमिस्ट्री में थोड़ा मास्टर से झगड़ा करता है, तो इसलिए इसको केमिस्ट्री में 18 दिए। रोल नंबर 2 मान लो मेरा स्टूडेंट का नाम है पलक, इसको हमको 20 में 20 डालना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी 20 में 20 डाल देते हैं। रोल नंबर 3 है सपोज करो हर्षिता, इसको अगर हम 19 देंगे तो ये नहीं घुस आएगी केमिस्ट्री में, इसको लेकिन 20 दे देते हैं, दोनों में 19 देंगे तो घुस आ सकती है। अब देखो प्राइमरी की हम डाले हैं, रोल नंबर हम दिए 3, इधर आए और इसका नाम देते हैं मेरा गौरव, ये मिठाई नहीं खिलाया है, बोला था मिठाई खिलाएंगे लेकिन नहीं खिलाया, इसलिए इसको फिजिक्स में देंगे 16, केमिस्ट्री में 15, नहीं पढ़ता है केमिस्ट्री लेकिन अब पढ़ेगा। तो अब हम बाहर निकलते हैं, हम क्या गड़बड़ी किए हैं, जो बढ़िया स्टूडेंट समझ गए होंगे क्या गड़बड़ी किए हैं, हो सकता है नहीं भी समझे होंगे, तो समझना तो दोनों का है। तो एक बार बाहर निकलते हैं, मेरा जो डेटा एंट्री करना था हम कर लिए, अब हम बाहर निकलते हैं। यहाँ कह रहा है जो आप इसमें एंट्री किए हैं इसको सेव करना है, हम बोले हाँ भाई सेव कर दो, एंट्री किए हैं तो सेव करना है, एंट्री किए हैं सेव करना है, तो हम यस कर दिए। देख लीजिए जो समझ गए होगे वो समझ ही रहे होगा। यहाँ पर मैं कह रहा है यूनिक कॉन्स्टेंट, बोल रहा है जो आपको यूनिक कॉन्स्टेंट था डेटा में रोल नंबर में, मतलब रोल नंबर आपका यूनिक होना चाहिए। यहाँ रोल नंबर देखो गौरव का हम 3 दिए, हर्षिता का 3 है, गौरव का असल में 4 है, हम जानबूझ के गलती किए थे 3, जिससे तुम लोग समझ पाओ। तो अगर जिस कॉलम को यूनिक बनाए हो तो इसका मतलब है तुमको उसके अंदर का डेटा यूनिक ही रखना है। तो रोल नंबर 2 ठो कर दिए 3, गड़बड़ हो गया, तो अब इसको ठीक किया जाए। इसका रोल नंबर देखो हम चेंज कर देते हैं, मान लो रोल नंबर इसका 4 कर दिए। अब देखो हम कहेंगे भाई निकलो सेव करना है, हम बोले हाँ सेव करना है, देखो बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो जब टेबल बनाते हो ध्यान दो उसमें प्राइमरी की डालो, कोई एक कॉलम ले लो जिसका कंटेंट्स तुमको लगता है यूनिक होगा, उसी में प्राइमरी की डाल लो, नहीं तो तुमको फिर एंट्री करने में प्रॉब्लम होगा। और जिसमें तुम यूनिक डाले हो उसमें यह भी ध्यान रखना है, जो यूनिक डाले हैं तो उसके अंदर में आपको डेटा एंट्री, उस कॉलम में आपको डेटा एंट्री करना ही है, पहला शर्त। दूसरा शर्त वो यूनिक होना चाहिए, अगर सेम डालोगे तो अभी तो डालने देगा, लेकिन जब निकलने लगोगे, जब सेव करने लगोगे तो उस समय तुमको सेव करने नहीं देगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और ये वीडियो हम तुमको मेन ये बता रहे थे जो कैसे आप एंट्री कर रहे हैं वो नहीं, मेरा ये बताना था जो जब हम टेबल बनाते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ टेबल ऑलवेज यूज़ प्राइमरी की, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट द डेटा, ठीक है। तो अभी तक के लिए बाय। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो होगा एसक्यूएल क्वेरी, कोई भी एसक्यूएल का क्वेरी
कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।